होते ही अपने पति के शुभ दर्शन बा चरणों को छूती थी, चरणों को स्पर्श करती थी। पति की आज्ञा पर चलने वाली, पति का सम्मान करने वाली, पति की आज्ञा को न उल्लंघन करने वाली रानी पवन रेखा बड़ी ही पतिव्रता थी। मेरे भाइयों, महाराज उग्रसेन भी बड़े अच्छे राजा थे। मेरे भाइयों, सब सुख था, दौलत का भरा भंडार था, बड़ा परिवार था, बड़ा अच्छा व्यवहार था, लेकिन महाराज उग्रसेन की पत्नी पवन रेखा के उदर से किसी बालक ने जन्म नहीं लिया। मेरे भाइयों, परमात्मा ने सर्व सुख किसी को नहीं दिया, सुख दे दिया लेकिन सर्व सुख किसी को नहीं दिया। कोई किसी बात से दुखी है तो कोई किसी बात से दुखी है। कैसी है भगवान की माया। भगवान की माया है, सब सुख भगवान किसी को नहीं देता। मेरे भाइयों, पवन रेखा आंगन में बैठी बैठी रो रही थी। दासी पास में आई है। दासी कहने लगी, महारानी क्यों रो रही हो, क्या बात है? तो उसी समय दासी की कलाई को पकड़ करके महारानी कहने लगी, दासी अरे पकड़ी कलाई भैया सोनू, पकड़ी कलाई तब दासी की और रानी की गिरा सुनाई और कैसी जाती
श्रोता बंधुओं, रानी फूट फूट के आंगन में रो रही है। दासी समझाने लगी, बहन रो नहीं, इस प्रकार से बहन मत रो, संतान देना या ना देना ये तो ऊपर वाले की माया है। रानी ने जवाब दिया है, दासी द्वारे लो चली जाओ, हमारे स्वामी को आंगन में बुला करके ले आओ। दासी जिस वक्त चली है, महाराज से जाकर के कहा कि राजन, आपकी रानी ने आपको महलों में बुलाया है, आप चलने के लिए तैयार हो जाएं। महाराज उग्रसेन ने दरबार को बंद किया।